तो कल वाली क्लास में अपना सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया था ना, कल वाली क्लास में आपको बता दिया था कोई भी सेल डिवीजन होता है स्टार्ट कब होगा, जब बी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई एम आ जाएगा ना। आई एम का मतलब दो फेज होती है सेल डिवीजन की, इंटर फेज और मेटा एम फेज होती है ना। इंटर फेज की कौन कौन सी सब फेज थी, जी वन एस जी टू, और एम फेज की प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज। अगर ये मियोसिस है तो प्रोफेज की और सब फेज हो जाती है ना, कौन कौन सी। प्रियंका भी आवाज़ आ रही है पीछे से, अब पीछे से आ रही है, बीच में से नहीं आ रही। कौन कौन सी सब फेज थी प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटीन जाइगोटीन डिप्लोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। फिर आपको इसमें बताया था कि किसी भी फेज में आपको जेनेटिक कंटेंट या क्रोमोजोम का नंबर पूछा गया है तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा ना, किसी भी फेज में पूछ सकता है। तो आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है, जब जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का अमाउंट जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट बढ़ेगा लेकिन क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। क्रोमोजोम का नंबर कब बढ़ता है, जब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा तब बढ़ेगा। अब एनाफेज भी दो होती हैं, एक तो नॉर्मल एनाफेज, एक एनाफेज फर्स्ट और एक एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा क्रोमोसोम का नंबर, बढ़ेगा। और एनाफेज में, एनाफेज में भी बढ़ेगा, एनाफेज में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैं नॉर्मल एनाफेज बोला है ओनली, इसका मतलब माइटोसिस की बात चल रही है। तो माइटोसिस में एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, करेगा, तो उसमें भी बढ़ेगा। और मैं एनाफेज फर्स्ट बोलूँ तो उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता, उसमें किसका सेपरेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद में आज सेल डिवीजन को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टार्ट कर लेते हैं ना। आपको दो तरह के रिसेप्टर पढ़ाए थे सेल सिग्नलिंग में, एक तो पढ़ाया था टीजीएफ बीटा और एक पढ़ाया था आरटीके। तो आरटीके के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा बहुत याद है आरटीके पाथवे, अब क्या क्या हुआ था आरटीके पाथवे में, लिगैंड आके बाइंड हुआ था, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ था, उसके बाद में ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ था, उसके बाद में अडाप्टर प्रोटीन आई थी जिसको GRB2 बोला था, और SOS रास राप मैक मैप, और मैप ने क्या किया था, फॉस जून मिक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे उनको एक्टिवेट करके न्यूक्लियस में भेज दिया था। उसने क्या बनाया था, CDK साइक्लिन बनाया था, और ये CDK साइक्लिन क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं ना। तो पूरी जो सेल डिवीजन है उसमें मिलने वाले CDK साइक्लिन को हमने बांट रखा है, जैसे एक तो होती है एस फेज, एक एस और एम फेज में मिलने वाले, एक G2 फेज में मिलने वाले और एम फेज में मिलने वाले, है ना, ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है इसको। तो अभी देखेंगे वो, तो रास मैप के पाथवे के थ्रू क्या क्या बने थे, CDK और साइक्लिन, ये तो चाहेंगे कि सेल डिवीजन हो। दूसरी तरफ एक और रिसेप्टर था जिसका नाम क्या था, TGF-beta, उस पर कौन सा कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा, तो डाइमराइजेशन हुआ था, उसके बाद में कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट हुई थी, SMAD प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में कहाँ पे गई, डाइमर बना के न्यूक्लियस में गई, और किसको एक्टिवेट किया था उसने, मतलब SMAD रेस्पॉन्स एलिमेंट जो होता है उसको एक्टिवेट किया था, और उसने क्या बनाया था, P53 प्रोटीन बनाई थी ना, इतना हमने देख लिया था। तो उस डायग्राम को मैं वापस से बता देता हूँ, ये तो कौन सा रिसेप्टर है, आरटीके, आरटीके रिसेप्टर के ऊपर जब कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा तो कौन सा पाथवे चला था इसके थ्रू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रास मैप काइनेज। इसने क्या किया था, फॉस जून और मिक इनको क्या कर दिया था, एक्टिवेट, और ये कहाँ पर गए थे एक्टिवेट होने के बाद में, न्यूक्लियस में। तो किस किस को एक्टिवेट किया था इन्होंने, CDK और साइक्लिन। ऐसे ही उधर आपका कौन सा रिसेप्टर था, TGF-beta, इसके ऊपर जब लिगेंड आके बाइंड किया था तो कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट हुई थी, SMAD प्रोटीन, और SMAD प्रोटीन ने क्या बनाया था, मतलब P53 प्रोटीन को एक्टिवेट करवाया था।
तो इधर से तो क्या बना सीडी के और साइक्लिन, उधर से क्या बना P53। अब ये P53 जो प्रोटीन बनी है ये खुद किसकी तरह काम करती है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। तो ये वापस से कहाँ पे जाएगी बनने के बाद में, फिर से न्यूक्लियस में जाएगी ये, और अब ये कुछ प्रोटीन को आप कुछ जीन को वापस से एक्टिवेट करेगी। तो ये क्या बनाती है सीडी के इनहिबिटर बनाती है, जो अभी अपने सीडी के इधर बन गए ना, इनका क्या बनाएगी वो इनहिबिटर बनाएगी। तो इसकी दो फैमिली होती हैं, एक तो होती है INK4 फैमिली और दूसरी होती है सिप या किप फैमिली। तो दो तरह के इनहिबिटर बनाती है, एक तो INK4 टाइप के, दूसरे सिप या किप टाइप के। इसमें आते हैं आपके P15, 16, 18 और 19। इसको हम 4B, 4A, 4C और 4D के नाम से भी जानते हैं ना। पूरा नाम क्या होगा इसका, INK4B। इसका क्या होगा INK4A, इसका INK4C, इसका INK4D। और इसमें आपके बनते हैं तीन मेंबर, P21, P27 और P57। इसमें ये तीन प्रोटीन बनती हैं। अब ये सीडी के जो होते हैं, अगर अपने मैमल्स की बात करें ना, वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो जो सीडी के हैं कितने टाइप के हैं, चार टाइप के हैं सीडी के, 4, 6, 2 और 1। और साइक्लिन कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के, D, E, A और B। अभी थोड़ा याद करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे मोस्टली बच्चे, कुछ तो पढ़ के आए होंगे MSC में, कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, नाम नहीं पढ़े। तो देखो, जो RT के रिसेप्टर है उसके थ्रू CD के साइक्लिन एक्टिवेट हुए थे। अब CD के कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन से, 4, 6, 2, 1 और साइक्लिन D, E, A, B। और इन ये तो चाहेंगे कि सेल डिवीजन हो, लेकिन TGF बीटा रिसेप्टर क्या चाहेगा, सेल डिवीजन नहीं हो। तो इन दोनों का बैलेंस बना रहता है जिसकी वजह से नॉर्मल सेल डिवीजन चलता रहता है। तो इनको इनहिबिट करने के लिए TGF बीटा क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है P53, और P53 प्रोटीन खुद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो वापस से कहाँ पर जाएगी, न्यूक्लियस में, और वो दूसरी जीन को एक्टिवेट करेगी। तो कौन सी जीन को एक्टिवेट करती है, सीडी के इनहिबिटर वाली जीन को। सीडी के इनहिबिटर दो टाइप के बनाती है वो, एक तो INK4 फैमिली और एक सिप या किप फैमिली। INK4 फैमिली तो इसको 4 और 6 वाले को इनहिबिट करती है, और सिप या किप फैमिली 2 वाले को इनहिबिट करती है। समझ में आ गई बात, ये जैसे ही बन जाते हैं तो इनको कौन इनहिबिट करके रख देगा तुरंत ही, ये जो INK4 तो इसको इनहिबिट कर देगा और सिप या किप इसको इनहिबिट कर देगा। देखो, इसको हम बोलते हैं सीडी के इंटरेक्टिंग प्रोटीन। सिप का नाम क्या है, सीडी के इंटरेक्टिंग प्रोटीन, और किप का नाम क्या है, काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन। तो ये INK4 तो किसको ब्लॉक करके रखेगा, 4 और 6 को, और सिप या किप किसको ब्लॉक करके रखेगा, 2 को। तो बनने के बाद में जैसे ये 4, 6 बन जाएंगे, तो 4 या 6, ये 4 या 6 क्या है, CD के है, इसके साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, INK के मेंबर बाइंड कर जाएंगे ना। तो ये सपोज करो कौन बाइंड करा दिया इसके साथ में, INK, और इसको क्या कर दिया, ब्लॉक। और इस 2 के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, CDK2, इसके साथ में कौन बाइंड कर गया, सिप या किप, ये मैंने वहां लिख दिया किप, ये मैं 21, 27 लिख देता हूँ ना, P21 या 27, इन दोनों में से कोई बाइंड कर जाएगा, तो इसको भी क्या कर देगा, ब्लॉक। समझ में आ गई बात, तो ये रिसेप्टर तो चाहेगा कि सेल डिवीजन हो, और वो रिसेप्टर चाहेगा कि सेल डिवीजन नहीं हो। तो ये तो अपने सीडी के और साइक्लिन बना के तैयार कर देगा, लेकिन वो तुरंत क्या बना देगा, इसके
ब्लॉकर बना देगा, इनहिबिटर बना देगा, तो इनको ब्लॉक करके रख देगा। अभी सेल डिवीजन सप्रेस बना रहेगा ना, सीज हो जाएगा सेल डिवीजन, फिर कोई आएगा और वो क्या करेगा, इन INK और इन P21-27 को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, डिग्रेड कर देगा। तो अब सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और जब तक ये इस फॉर्म में बाइंड रहेंगे तब तक सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अभी आप ये डायग्राम बना लो। अभी ये नाम नए होंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए एक बार तो दिक्कत आएगी याद करने में, लेकिन सेल डिवीजन जो है ना, जैसे सेल वाले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सेल डिवीजन जो है इसमें से कम दो क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, और वो क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएंगे सेल डिवीजन में से, और किसी की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इसमें से बाहर नहीं आएंगे ना सेल डिवीजन में। और ये सेल डिवीजन अगर नहीं समझोगे तो कैंसर और अपोप्टोसिस समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। सिग्नलिंग किस किस को याद होगी वैसे? होगी देविस? मेनू आप कल वाणी गए क्या? गए थे तो कुछ लेके नहीं आए वहां से हमारे लिए? आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज तो भंडारा लगा हुआ है बाहर। नहीं है आज? नहीं है? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो। कितना कितना आगे है? कौन सी जगह पे? कितना दूर है यहाँ से? तब तो फिर पैसे वसूल नहीं हो पाएंगे ना इतना दूर। 20 और 20 40 हो गया। खीर लाए थे और वो सीरा होता है ना, हलवा बोलते हैं हम इसको, हलवा हलवा, और वो पकौड़े थे। अरे इनको तो पहले से ही पता है ना कौन सी जगह पर क्या क्या मिल रहा है। खीर बहुत टेस्टी थी। उसमें उनका तो पता नहीं पैदल यात्रियों का, लेकिन कोचिंग वाले सारे पहुंचे थे ना, मदर्स वाले, फादर्स वाले। उनके मजे हो गए। अरे भंडारे में खाने का मजा ही कुछ अलग होता है ना, पैसा अपनी जगह पे है और उसमें खाने का मजा अपनी जगह पे है। शॉर्ट्स का इतना प्रमोशन भी नहीं करना पड़ता, अपने आप व्यू आ जाते हैं इन पर। अब तो अपने 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 996 हो गए। क्या क्या बोल रहे हैं? 1000 में कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं अभी।
पीयूष ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी, नेहा मना कर रही है। दूसरी नया नहीं जगी क्या आज? घर जा रही है? क्या बोल क्या पहली इनकम आएगी यूट्यूब से 70 से 80 रुपए महीने की उसकी पार्टी कर लेंगे। फिर तो आज ही हो जाएंगे यार। मैंने एक टेबल भेजी है आपको है ना ग्रुप में, उस टेबल को एज इट इज ऐसे कैसी नोट कर लो है ना। मेरे को तो याद नहीं होती वो टेबल, लेकिन आपको याद करनी है। अरे उसमें दिक्कत क्या है, क्वेश्चन आता है उसमें से, हर बार उसमें से डाल देता है। पढ़ाते हम ये हैं, इसमें से डालता नहीं है ना, उस टेबल में से क्वेश्चन डाल देता है हर बार। पहली बारी मैंने भेजी आपको टेबल, पहले कभी भेजी नहीं किसी को, मेरे को याद नहीं होती वो, लेकिन क्वेश्चन इस टेबल में डाल देता हर बार। अपन पढ़ाते हैं इसमें मैमल्स में इसमें, और वो क्वेश्चन डालता है हर बार सैकेरोमाइसिस का, यीस्ट का। नोट करनी पड़ेगी टेबल आपको, मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूँ। देखो उस टेबल में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या है। जैसे अपनी कौन कौन सी फेज होती हैं, G1, S, G2 और M फेज होती हैं, तो इनमें से ये जो आपके CD के होते हैं ये तो पहले ही बन के तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो साइक्लिन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फेज में ही बनते हैं और पर्टिकुलर फेज में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे G1 फेज है, G1 फेज में आपके CD के 4, 6 और साइक्लिन D काम आता है। कौन आएगा G1 फेज में? CD के 4, 6 और साइक्लिन D। फिर आती है आपकी G1 S फेज, G1 और S फेज में आता है आपका CD के 2 और साइक्लिन E। फिर आती है आपकी प्रॉपर S फेज में रहता है CD के 2 और साइक्लिन A। फिर आती है आपकी M फेज में रहता है CD के 1 और साइक्लिन A और B, उसमें से मोस्टली B रहता है ना। ये इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। वो टेबल आपको भेजिए मैंने, पहले वो टेबल आप नोट करोगे। हाँ, अब जैसे जो आपका एक यीस्ट होता है, यीस्ट की भी दो स्ट्रेन है, एक तो है साइजोसैकेरोमाइसिस फॉर्म नाम से है, उसमें क्या होता है एक ही सीडी के होता है और ओनली एक ही साइक्लिन होता है, और एक है आपका सैकेरोमाइसिस सेरेबिसिस, उसमें सीडी के तो ओनली एक होता है लेकिन साइक्लिन 4 होते हैं। समझ में आ गई बात? ये आपको नोट करना है, उस टेबल जो मैंने भेजी है ना वो वाली, मैं यहाँ पे बोर्ड पर नोट कर देता हूँ। इसको तो मिटा दो, ये तो समझ में आ गया। इसने तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले सीडी के साइक्लिन बनाए, और उसने सीडी के साइक्लिन को ब्लॉक करने वाली प्रोटीन्स बनाई, तो ये 15, 16, 18 और 19, और उधर है आपकी सिपिया के फैमिली, उसमें 21, 27 और 57। ये सेल डिवीजन ऐसा है कि आप इसको सेल्फ स्टडी करके समझना चाहो ना तो पूरा महीना निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो 7-8 पेज समझ में नहीं आएंगे।
यहाँ पे था आपका साइजो पूरा नाम लिख देता हूँ इसका ना, लिख लेना आप एस सी एच आई जेड ओ साइजो सैकेरोमाइसिस ये नाम है ना इसका पूरा। और दूसरा कौन सा होता है, सेरेविसी, और बाल्टीबेल, तीन है ये। अब आपकी होती है, एक तो होती है G1 फेज, फिर होती है G1 और S फेज, G2 फेज और M फेज। तो देखो इसमें अगर अपने वर्टिब्रेट में बात करें तो G1 फेज में तो आपको मिलता है कौन सा, CDK4-6, और साइक्लिन कौन सा मिलता है, साइक्लिन कौन सा मिलेगा, D, साइक्लिन डी। फिर आती है आपकी G1 और S फेज, G1 और S फेज में मिलता है CDK2 और साइक्लिन ई, नीचे लिख लो थोड़ा सा है ना, CDK2 और साइक्लिन ई। फिर है आपकी ये G2 नहीं, यहाँ पे S फेज थी, S फेज में कौन सा मिलता है, CDK2 और साइक्लिन ए। फिर यहाँ पे मिलता है CDK1 और साइक्लिन बी कर लो, यहाँ पे ए और बी दोनों रहते हैं वैसे ना, ए कम होता जाता है बी बढ़ता जाता है। ये तो है वर्टिब्रेट का, और जो साइजो सैकेरोमाइसिस फॉर्म है इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक ही CDK मिलता है और एक ही साइक्लिन मिलता है। तो CDK तो आपका मिलेगा इसमें CDK1, इसमें भी CDK1, और साइक्लिन कौन सा मिलेगा, साइक्लिन का क्या नाम है इसमें, CDC2 या 28 है, CDC किसका, फॉर्म में पूछ रहा हूँ मैं, इसमें अच्छा उल्टी, इसमें उल्टी बना रखी टेबल, मैंने उधर लिख दिया ना ऐसे नाम, आपने कैसे लिखा है, जैसे भी लिख लिया हो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो मैंने भेजी है ऐसे बना लो या जो मैंने बनाई है ऐसे बना लो, है ना, एक ही बात है वो। तो CDC 13 और CDK कौन सा है, CDK 1, CDK तो 1 ही है, इस CDK 1 का ही दूसरा नाम है CDC 2, CDK 1 को ही क्या बोलते हैं, CDC 2, और साइक्लिन कौन सा मिलता है इसमें, CDC 13। सभी फेज के लिए एक ही है ना CDC 13। वर्टिब्रेट का तो मेरे को याद रहता है,
तो इसमें तो है ना दो ही हैं, ये CDC13 और CDK1 पूरे सेल साइकिल को यही रेगुलेट करके जाते हैं। अब बचा आपका सैकेरोमाइसिस सेरेप्सी, तो ये तो है CDK1। सभी फेज के लिए एक ये CDK1, लेकिन साइक्लिन इसमें अलग अलग होते हैं। G1 के लिए CLN3 CLN3 और G1S के लिए CLV1 CLV2। ये भी CLN है। ये हो गया आपकी टेबल कंप्लीट। ये एस पेज में मत लिख लेना, ये नीचे लिखने हैं ना। ये होगी टेबल कंप्लीट। अब पिछले दो बार से है ना ईस्ट में से क्वेश्चन डाल रहा है ना इसका, सीडी के साइक्लिन का। ईस्ट बैक्टीरिया का बड़ा भाई होता है। हाँ, फंगस होता है। ईस्ट को बोलते हैं कवक। लाइकेन को क्या बोलते हैं नंदिनी? लाइकेन को लाइकेन ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? लाइकेन सहवाग होता है। एल्गी मतलब होता है सहवाल, फंजाई मतलब होता है कवक, और सहवाल प्लस कवक दोनों को मिला के बना दिया सहवाग। पिछली बार भी आया नंदनी, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें आया था इसका सैकेरोमाइसिस सेरेप्सी का, तो उसमें ओनली एक ही CDK होता है ना जो कंट्रोल करके जाता है सेल डिवीजन को। मनु ये ज़्यादा लग रहा है ना इसमें लिस्ट में। देखो अभी इस लिस्ट को थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करो। जो साइजो सैकेरोमाइसिस फॉर्म होता है इसमें केवल एक ही CDK होता है और एक ही साइक्लिन होता है जो चारों फेज को रेगुलेट करके जाता है। CDK तो 1 होता है और CDC13 होता है, मतलब दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है CDK और दूसरा होता है साइक्लिन। तो CDK तो एक ही है इसमें CDK1, और साइक्लिन भी एक ही है, कौन सा? जिसका नाम है CDC13। फिर है आपका सैकेरोमाइसिस सेरेप्सी, तो उसमें जो CDK है वो तो होता है एक, और बाकी साइक्लिन होते हैं चार या ज़्यादा हैं, ज़्यादा हो गए ना। और जैसे CLN3 हो गया, दो वो हो गए, दो दो चार पाँच, और पाँच और चार नौ हो गए। नौ हो गए ना, मतलब वैसे टाइप चार हैं, बाकी नौ हैं टोटल, उनके भी आइसोफॉर्म है। फिर और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें चार CDK होते हैं और चार साइक्लिन होते हैं, तो CDK4, 6, 2, 1 और साइक्लिन DEAB, मतलब इसी सीक्वेंस में याद रखने, वही सेल साइकिल का सीक्वेंस होता है।
तो सीडी के 4-6 को कौन ब्लॉक करता है? सीडी के 4 और 6 को किसने ब्लॉक किया? P27 ने या INK4 फैमिली ने? INK4 फैमिली ब्लॉक करके रखती है सीडी के 4 और 6 को। और सीडी के 2 को कौन ब्लॉक करके रखता है? सीडी के 2 को किसने ब्लॉक किया था अभी थोड़ी देर पहले? सिप और केप, मतलब 21 और 27 ने ब्लॉक किया था। तो आरती ये टेबल याद हो जाएगी, करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन सही करना है तब तो करनी पड़ेगी। अब मेरे को तो याद नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब तो आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने भी पहली बार ये टेबल लिखाई है, आपको इससे पहले कभी नहीं लिखाई है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने लग गए इस टेबल में से, तो अब आपको पढ़ानी पड़ेगी। आपने भी नहीं पढ़ी पहले? तो याद कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ना इसमें से डायरेक्टली। आप मिटा दें इसको, नहीं लिखा भी? वैसे मैंने टेबल भेज दी थी आपको पहले ग्रुप में, है तो वो एक ही वैसे। क्या बोल रहे हो? सिग्नलिंग के क्वेश्चन करवाएंगे आज? सेल बायो के क्वेश्चन हुए नहीं शायद मेरे हिसाब से, मैम ने ट्रांसपोर्ट के हो गए थे बस, नहीं हुए। सेल बायो पेंडिंग में चलेगी इसका, मतलब करवाने पड़ेंगे क्वेश्चन तो पहले। सोनिया आपने बना ली टेबल? सपना आपने बना ली टेबल? तो सीडीके का पूरा नाम क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब ये ऐसा काइनेज है जो साइक्लिन के ऊपर डिपेंड रहता है। जब तक साइक्लिन नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेगा, ये साइक्लिन के साथ में मिलके काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो मेनू अब रेनू का नंबर आ गया, तो अब तो आपका भी आ सकता है फिर, अभी नहीं आएगा? साहिल बना ली टेबल? 50% किसको याद हो गई है? 50% नहीं हुई? 50% घर जाके करोगे आप? वर्टिब्रेट्स की तो होगी होगी ना, 4, 6, 2, 1 डी ई ए बी। बना लिया अब तो सबने? प्रीति आप बताओ
वर्टिब्रेट्स के एस फेज में कौन सा सीडीके आता है? एस फेज में कौन सा सीडीके आया था? सीडीके टू। और साइक्लिन कौन सा आया था? ए। जीवन फेज में कौन सा सीडीके आया था? टू। और कौन सा आया था? जीवन फेज में दो आते हैं ना, एक तो आता है 4-6 और टू भी आ जाता है ना, 4-6 भी आता है और टू भी आता है। साइक्लिन कौन सा आता है जीवन फेज में? साइक्लिन कौन सा आएगा? डी आएगा। और ई आएगा या नहीं आएगा? ई कब आता है? जीवन फेज में ही आना स्टार्ट हो जाता है। हेलो हेलो अच्छा देखो, अब इसको साइकिल के माध्यम से समझते हैं। छोटा बना लेते हैं, तो समझ में नहीं आएगा। अपने पास में टोटल चार फेज होती है, कौन कौन सी? G1, S, G2 और M। मान लो यहाँ से अपना जो है ये स्टार्ट हुआ है ना सेल डिवीजन, इस पॉइंट से यहाँ पे सेल G0 फेज में थी, यहाँ से सेल एंटर किया कौन सी फेज में? G1 फेज में। क्या बोल रहे हो, दोबारा बताना है? ये पूरा सेल साइकिल का टाइम है इतना है ना। मान लो इस पॉइंट से सेल जो है G0 फेज से G1 फेज में एंटर कर गई, अब G1 फेज में रहेगी कितने टाइम तक रहेगी? अगर 24 घंटे का टाइम पीरियड है तो कितने टाइम तक रहेगी? लगभग 11 घंटे तक रहेगी। तो 11 घंटे का मतलब हो गया ये पूरा जो है 24 घंटे का है, तो 11 का मतलब लगभग आधा सा हो गया। तो आधा टाइम सेल कौन सी फेज में स्पेंड करेगी? G1 फेज में स्पेंड करेगी। तो लगभग ये ऐसे डायग्राम बनेगा है ना, मतलब इतना टाइम किस में लगेगा? G1 फेज में लगेगा। G1 के बाद में कौन सी फेज आएगी? S फेज आएगी। S फेज में कितना लगता है? 4 घंटे, मतलब लगभग 1/4 के लगभग हो गया, 1/4 नहीं 1/6 हो गया। तो S फेज में लगेगा लगभग इतना टाइम, या थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम लगेगा ना S फेज में। फिर S फेज के बाद में कौन सी फेज आएगी? तो G2 में फिर से ज़्यादा टाइम लगेगा। ये किस में लगा है? G2 में। और ये M फेज में। फिर M फेज में भी वही कौन कौन सी होंगी फेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चारों फेज होंगे ना इसमें। समझ में आ गया? ये जो मैंने स्पेस जो बनाया है वो टाइम पीरियड के हिसाब से बनाया है। पूरे में कितना टाइम पीरियड माना है मैंने? 24 घंटे का माना है। तो इसमें से लगभग आधा टाइम किस में लग रहा है? ये G1 फेज में लग रहा है। अब एक फेज से जब दूसरी फेज जाती है, जैसे ये वो पॉइंट है जहाँ से G1 से सेल कौन सी फेज में एंटर की है? S फेज में एंटर की है। तो इस फेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन पॉइंट। कौन सा ट्रांजिशन होगा ये? G1S ट्रांजिशन। G1 से S फेज में गई है ना यहाँ पे। ये देखो, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से सेल S फेज से किस में एंटर की है? G2 फेज में। तो इसको क्या बोलेंगे? S G2 ट्रांजिशन। और यहाँ पे सेल G2 से M फेज में एंटर किया, तो इसको क्या बोलेंगे? G2M ट्रांजिशन।
ट्रांजिशन समझ में आ गया, जब एक सेल एक फेज से दूसरी फेज में एंटर करती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। हालांकि ये जो ट्रांजिशन पॉइंट है ये अपने को इतना आसानी से विजिबल नहीं होता ना, दिखाई नहीं देता अपने को। और अपने एग्जाम में मोस्टली केस में 95% केस में जो एक क्वेश्चन आता है वो हमेशा ट्रांजिशन पॉइंट से आता है, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट। मतलब जब भी कोई सेल एक फेज से दूसरी फेज में एंटर करती है तो पहले ये चेक करके देखा जाता है कि इसके पास नेक्स्ट फेज में जाने के लिए जिन जिन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी वो एंजाइम्स अभी अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर एंजाइम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सेल को G1 फेज से S फेज में जाना है, तो S फेज में जाने के लिए रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, तो उनको G1 फेज में ही चेक करके देख लिया जाएगा ना। इस पॉइंट पर ही चेक करके देख लिया जाता है कि S फेज में जाने के लिए S फेज में काम आने वाले सारे एंजाइम्स और रॉ मटेरियल इसके पास में भी है या नहीं है। अगर होंगे तब तो सेल G1 से S फेज में एंटर कर जाएगी, अगर नहीं होंगे अवेलेबल तो उसको G1 फेज में ही लेट G1 फेज में उसको सीज करके रख दिया जाएगा सेल को। जब तक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तब तक सेल सीज ही बनी रहेगी, और जब रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा तो S फेज में एंटर कर जाएगी। तो हम उसको बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट। और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, चेक पॉइंट से आएगा ना, 95% केस में ना हर बार आता है ना चेक पॉइंट से। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि G1 फेज में कौन सा CD का साइक्लिन आएगा। G1 फेज में कौन सा आया था, कौन सा आया था G1 फेज में बताओ। तो जैसे ही G1 फेज आती है तो यहाँ से कौन बढ़ने लग जाएगा, CDK4-6, और कौन सा साइक्लिन, साइक्लिन डी। साइक्लिन डी की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी और ये जो है ना ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मिड G1, इसको बोलते हैं इधर अर्ली G1 और इसको बोलेंगे लेट G1। ऐसे ही एस फेज में अर्ली एस फेज, मिड एस फेज और लेट एस फेज, सब में ऐसे हो जाएगा ना। तो अर्ली G1 में ही कौन सा साइक्लिन बढ़ने लग जाता है, साइक्लिन डी बढ़ने लग जाएगा, है ना, और बढ़ता रहेगा। और जैसे ये मिड G1 आती है तो यहाँ पे देखोगे इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, फिर उसके बाद में वापस से कम होने लग गई और यहाँ तक आते आते कंसंट्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है इसकी। मिड G1 फेज में इसकी डी की कंसंट्रेशन तो घटना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन घटती है तो एक दूसरे साइक्लिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसका नाम है CDK2 और साइक्लिन ई। मिड G1 से CDK2 तो बढ़ने लग जाएगा और साइक्लिन ई भी बढ़ने लग जाएगा, लेकिन कौन कम होने लग गया, CDK4-6 और साइक्लिन डी। कहाँ पर मैक्सिमम है ये CDK2 साइक्लिन ई, जो G1 एस ट्रांजिशन है उस पर इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, यहाँ से आगे ये कम होने लग गया। यहाँ से आगे ये तो कम होने लग जाता है लेकिन कोई दूसरा बढ़ने लग जाएगा, क्या नाम होगा बताओ यहाँ पे, CDK2 और साइक्लिन कौन सा होगा, ए, ये है ना ब्लैक कलर में जो लिखा है। फिर उसके बाद में G2 फेज में कौन चलेगा, ये G2 फेज तक रहेगा है ना, फिर CDK1 यहाँ से आगे कौन बढ़ने लग जाएगा, CDK1, और यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साइक्लिन कौन सा होगा यहाँ पे, साइक्लिन ए होगा, और यहाँ से आगे साइक्लिन डी ई ए बी आएगा लास्ट में ना। तो एम फेज में कौन रहेगा, एम फेज में कौन सा साइक्लिन रहेगा, ए या बी, बी रहेगा ना, डी ई ए बी ऐसे तो लिखा था सीक्वेंस, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। तो अब बताओ G1 फेज में कौन कौन सा CDK मिलेगा,
देखो जीवन फेज में 4-6 भी मिल रहा है और CDK2 भी मिल रहा है। साइक्लिन कौन कौन सा मिलेगा जीवन फेज में? डी भी मिलता है और ई भी मिलता है। मिड जीवन में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कौन साइक्लिन की ज़्यादा होगी? CDK4-6 साइक्लिन डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और जीवन एस ट्रांजिशन पे कौन सा CDK साइक्लिन आता है? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है ना, जीवन एस ट्रांजिशन के लिए या एस फेज में एंटर करने के लिए कौन सा CDK साइक्लिन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा? CDK2 और साइक्लिन ए। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आरती समझ में आया? एक बार और, ये वही है जो मैंने पहले लिखा दिया आपको ना, उसी को मैंने डायग्राम में बताया है। तो देखो ये तो एक मैंने ऐसे ही साइकिल बना दिया, ये पूरा कितना टाइम लग रहा है इसमें? 24 आवर लग रहा है, जिसमें से जीवन फेज में कितना टाइम लगता है? लगभग आधा हो गया। तो ये भी मैंने है ना आधा कर दिया, लगभग आधा मतलब फिक्स 12 होता 11 है, तो मैंने थोड़ा सा आधे से फिक्स आधा जो है ना यहाँ पे लगभग आता कहीं, तो मैंने थोड़ा सा एक घंटे का इतना कम कर दिया। तो जीवन फेज को भी हमने 3 में बांट रखा है, अर्ली मिड और लेट। तो अर्ली जीवन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है? CDK4-6 और साइक्लिन डी की बढ़ने लग जाएगी। और मिड जी तक आते आते ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद में इसकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है। लेकिन इसकी तो कम होगी और उसी टाइम पे दूसरे की बढ़ेगी, तो किसकी बढ़ रही होगी उस टाइम पे? CDK2 और साइक्लिन ई। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसकी कम होती जाएगी, और जीवन एस ट्रांजिशन तक आते आते इसकी हो जाएगी मैक्सिमम और साइक्लिन 4-6D की हो जाएगी जीरो हो जाएगी ना उसकी बिल्कुल। अब जैसे ही जीवन एस ट्रांजिशन आता है तो CDK2 और साइक्लिन ई अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे होते हैं, उसके बाद में इनकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी और किसकी बढ़ने लग जाएगी? CDK2 और साइक्लिन ए की। और CDK2 और साइक्लिन ए का आना ही एस फेज का शुरुआत माना जाएगा ना, एस फेज का इनिशिएशन माना जाएगा। उसके बाद में मिड एस तक इनकी मैक्सिमम रहेगी, इसके बाद इनकी भी कम होने लग जाएगी, फिर किसकी बढ़ेगी? CDK1 और साइक्लिन ए। उसके बाद में लास्ट में किसकी ज़्यादा होगी? साइक्लिन बी की। समझ में आ गई बात? अब इसको नोट कर लो। जो MSc वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ लेना, उनको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आ जाना ना बिना पढ़े। और सुबोध में और डिपार्टमेंट में इनमें तो ये ऑप्शनल भी होती है ना, सेल और मोल, तो आप ऑप्शनल में ले सकते हो। क्या उसमें ये थे? आपने ऑप्शनल में लिया नहीं होगा, या तो सेल वाइज थी आपकी ऑप्शनल में, इलेक्टिव लेते हैं जो, या कैंसर वगैरह लिया था आपके थर्ड सेमेस्टर में, एक अलग से लेते हैं ना चॉइस, सेल बायो थी और उसमें भी नहीं आई है, फिर भी नहीं आई है उसमें। तब तो दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, तो पहली बार पढ़ रहे हो तो। अमन तो चलो कॉलेज नहीं गया, लेकिन आप लोग तो कॉलेज भी गए।
छाप लिया कीर्ति। अभी भेजना ये देखो, अभी ममता ने क्वेश्चन भेजा है, 254 नंबर वाला है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो, 254 नंबर वाला क्वेश्चन। अभी उतार रहे हो, अपना क्वेश्चन आ गया अपने पास में 254। उसमें भी होगा, बुक में भी होगा, मोबाइल में भी है। अंकिता समझ में आ गया डायग्राम, याद हो गया क्या? पहले पढ़ा हुआ है अंकिता का, तो पढ़ा हुआ है पहले। अब ये क्वेश्चन भेजा है ना मैंने, देखो दीपक आ गया होगा क्वेश्चन आपके पास 254 नंबर वाला। पहले तो ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया ये देखो। बुक भी तो होगी दीपक आपके पास, बुक कहाँ है आपकी? लेकिन ये रोजाना लेके आनी कैटलिस्ट तो। एक बुक में से देख लो, कोई एक मोबाइल में से देख लो। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले ये देखो।
किसको क्वेश्चन समझ में आ गया पहले ये बता दो मेरे को तो बस। प्रियंका क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तो बताओ मेरे को क्या समझाना, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ये? इंग्लिश में भी समझा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब नॉकआउट का मतलब? नॉकआउट इसमें जो दिया है वो नॉकआउट का मतलब बाहर करना होता है। जैसे अपना आईपीएल वगैरह आता है ना, तो उसमें होता है ना नॉकआउट मैच वगैरह होता है। जैसे एक तो लीग मैच होते हैं, नॉकआउट का मतलब कि अगर वो मैच हार गए तो फिर बाहर ही हो जाओगे टूर्नामेंट से। तो नॉकआउट करने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी जीन को हमने बाहर निकाल दिया तो उसको हम बोलते हैं नॉकआउट। कोई जीन अगर बाहर निकाल देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? जीन नॉकआउट बोलते हैं उसको। तो देखो ये आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में तो आपको पता ही है ऐसे ऐसे काम कौन सी फेज में कौन सा काम करता है, कुछ नया डायग्राम नहीं है। फिर बोल रहा है साइक्लिंस आर द रेगुलेटरी सब यूनिट्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आर द कैटालिटिक सब यूनिट। मतलब जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हैं वो तो उनके पास तो कैटालिटिक एक्टिविटी है ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और जो साइक्लिंस होते हैं वो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। मतलब साइक्लिन जब उनके साथ बाइंड करेगा तब जाके सीडीके अपना काम कर पाता है। फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक्लिंस एंड सीडीके इन वेरियस स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये आपको बता रखा है कि जीवन फेज में साइक्लिन डी और सीडीके 4-6 काम करते हैं। फिर मिड जीवन में साइक्लिन ई और सीडीके 2, एस फेज में सीडीके 2 और साइक्लिन ए, और G2 फेज में सीडीके 1 साइक्लिन बी, और एम G2 फेज से पूरे M फेज तक चलेंगे। तो ये तो कोई नया डायग्राम नहीं है, जो आपने पहले ही देख लिया। अब इसमें लास्ट में बोल रहा है इफ़ वी नॉक डाउन साइक्लिन डी इन ए सेल बाई SNRNA विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ सीडीके 2 एक्टिविटी। अगर साइक्लिन डी को आप बाहर कर दोगे तो सीडीके 2 की एक्टिविटी कैसी देखने को मिलेगी, ये है क्वेश्चन मैन। समझ में आ गई बात? अगर साइक्लिन डी को आपने बाहर कर दिया, मतलब साइक्लिन डी नहीं बन रहा सेल में, तो सीडीके 2 की एक्टिविटी कैसी होगी? तो पहले तो ये बताओ कि सीडीके 2 कहीं भी साइक्लिन डी के साथ में बाइंड करता है, किसी भी स्टेप में किया बाइंड? मतलब सीडीके 2 जो है वो साइक्लिन डी पर डिपेंडेंट है ही नहीं। सीडीके 2 किसके साथ बाइंड करता है? या तो ई के साथ या फिर ए के साथ, डी से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो डी को आउट करने से इसकी एक्टिविटी में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसकी एक्टिविटी कैसी रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। अगर सीडीके 2 होता उसकी जगह ना, और पूछता कि हमने सीडीके 2 की नहीं, जैसे सीडीके 4-6 होता और अब बोलता कि हमने डी को नॉकआउट कर दिया, तो क्या होता? तो सीडीके 4-6 साइक्लिन डी के बिना काम नहीं कर पाता, तो उसकी एक्टिविटी एकदम से क्या हो जाती? जीरो पे हो जाती ना, डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो कौन सा होगा आंसर? सी होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन ऐसे बाहर से नहीं आते, बस आपको एक बार समझ में आ गया तो उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। सपना समझ में आ गया? सीडीके 2 कहीं भी साइक्लिन डी के साथ में बाइंड नहीं करता, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सीडीके 2 ई और ए पर डिपेंडेंट है। अगर आप ई को नॉकडाउन करते तो फर्क पड़ता, ए को नॉकडाउन करते तो फर्क पड़ता। ऐसे ही जो आपका सीडीके 1 है, क्या इस पर डी या ई पर डिपेंडेंट है? सीडीके 1 नहीं है ना, सीडीके 1 ए और बी के साथ बाइंड करता है। कौन सा? ई को अगर आप नॉकडाउन कर दोगे तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कौन सा है? हाँ कम ये हो जाता है ना। हाँ समझ में आ गई बात अब? हाँ हाँ किसकी?
इंक्रीज नॉकआउट करने से नहीं होगी, ओवर एक्सप्रेशन से करोगे। हाँ तो किस पॉइंट पे है बताओ, मैक्सिमम मिड जीवन पे। अगर आ जाए तो मिड जीवन में मैक्सिमम रहता है, ये भी मिड जीवन में मैक्सिमम रहेगा, और ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है मिड एस फेज में मैक्सिमम रहेगा। हाँ सी डी के टू ये रहा, मिड जीवन से बढ़ना स्टार्ट हो गया था और जीवन एस ट्रांजिशन तक आते आते ये मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद में ये कम होने लग जाता है। ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, ये इसकी कंसंट्रेशन को बता रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना मैक्सिमम है, और इधर आते फिर कम हो गई ना डिस्टेंस। क्या अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में ना इसी में से। अब एक नाम आता है E3 लाइगेज, इतना भी जो समझा है वो समझ में आ गया। तो देखो CDK और साइक्लिन दो एंजाइम हैं, जिनमें से एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो किसके पास में होती है, अब देखो आपको क्या बताया था CDK और साइक्लिन, इसमें से एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके पास में है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी CDK के पास में है या साइक्लिन के पास में है, CDK के पास में है। इसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो काइनेज है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, एक एंजाइम होगा ये, तो इसके पास में तो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और इसको रेगुलेट करके कौन जाता है, तो साइक्लिन जो है वो क्या है इसका रेगुलेटर है। जैसे CDK2 है तो CDK2 किस किस के साथ में बाइंड कर सकता है, साइक्लिन ई के साथ में भी और साइक्लिन ए के साथ में भी। तो CDK2 का काम है फॉस्फोराइलेशन करना, क्योंकि काइनेज है, काइनेज क्या करता है फॉस्फोराइलेशन, तो जब CDK2 साइक्लिन ई के साथ में बाइंड होगा तो कुछ प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करेगा, और जब वही CDK2 साइक्लिन ए के साथ में बाइंड हो जाएगा तो दूसरी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करने लग जाएगा, मतलब रेगुलेटर जो चेंज हो गया तो उसका सबस्ट्रेट भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात, CDK2 के साथ में अगर साइक्लिन ई बाइंड होगा तब तो कुछ और प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, अगर ए बाइंड हो गया तो दूसरी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो CDK अपने पास में हो गए 4, 6, 2, 1 और साइक्लिन हो गए DEA और B। तो CDC28 किसका नाम था, CDK1 का, और CDC13 और CDC2 वो टेबल मैंने भेजी ना उसके नीचे लिखा हुआ है ना, वो उसमें CDK1 का नाम क्या है CDC2 और CDC28। ये समझ में आ गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके पास में है, CDK के पास में, और रेगुलेटर एक्टिविटी किसके पास में है, साइक्लिन के पास में। फॉस्फोराइलेशन ऑफ
देखो इस लाइन का मतलब है सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाई फॉस्फोराइलेशन एंड डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिंस। साइक्लिन का फॉस्फोराइलेशन या डी फॉस्फोराइलेशन करके उनकी एक्टिविटी को हम रेगुलेट करते हैं। और जितने भी सी डी के हैं ना 4, 6, 2, 1 वो सब के सब किस फेज में सिंथेसाइज हो जाते हैं, G1 फेज में। लेकिन जो साइक्लिन है वो पर्टिकुलर फेज में ही सिंथेसाइज होते हैं और पर्टिकुलर फेज में डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब जो साइक्लिन्स हैं वो साइक्लिसिटी शो करते हैं, पर्टिकुलर फेज में बनेंगे और वापस से डिग्रेड हो जाएंगे, फिर से वापस उसी पर्टिकुलर फेज में बनेंगे। तो ये साइक्लिसिटी शो करने की वजह से इनका नाम क्या दिया हमने, साइक्लिन्स। बाकी सी डी के साइक्लिसिटी शो नहीं करते, ये जीवन फेज में ही बन जाते हैं और बिल्कुल लास्ट तक रहते हैं, एक बार ही बन जाते हैं ना सारे के सारे। सबसे खास बात है ना, इसको स्टार लगा के लिख लेना, मतलब सेल साइकिल को जितना आगे बढ़ाने के लिए जितना साइक्लिन्स का बनना ज़रूरी है उतना ही प्रीवियस वाले का डिग्रेड होना भी ज़रूरी है। जैसे आप सी डी के 4-6 आपने बनाया तो मिड जीवन में उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। अब आपने सी डी के 2 और साइक्लिन ई बनाना स्टार्ट कर दिया तो जितना सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए सी डी के 2 और साइक्लिन ई का बनना ज़रूरी है अब उतना ही साइक्लिन डी का डिग्रेडेशन ज़रूरी है। अगर साइक्लिन डी बना रहेगा तो साइक्लिन ई अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको डिग्रेड कराना भी ज़रूरी है। तो जो सी डी के हैं वो तो बने रहते हैं लेकिन साइक्लिन पर्टिकुलर फेज में बनेंगे और पर्टिकुलर फेज में डिग्रेड हो जाएंगे। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन होगा, तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो सेल साइकिल का रेगुलेशन है या प्रोग्रेशन है वो सी डी के और साइक्लिन के सिंथेसिस और डिग्रेडेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और एक स्टेटमेंट आएगा कि ओनली साइक्लिंस आर सिंथेसाइज एंड डिग्रेड, तो कौन से को सही करोगे, जिसमें दोनों को बनाएगा डिग्रेड करेगा वो आंसर गलत होगा, क्योंकि सी डी के का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन बार बार नहीं होता, केवल किसका होता है, साइक्लिन का होता है। सी डी के एक बार बन जाते हैं बिल्कुल लास्ट तक रहते हैं, तो रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर साइक्लिन को बनाते हैं और पर्टिकुलर फेज में उसको डिग्रेड कर देते हैं। समझ में आ गई बात, अगर किसी में सी डी के को डिग्रेड करा रहा है किसी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, गलत होगा ना, सी डी के डिग्रेड नहीं होता, ओनली कौन होता है, साइक्लिन। ये लिख लेता हूँ मैं ना स्टार लगा के। तो सी डी के डिग्रेडेशन के द्वारा हम सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं करते, किसके द्वारा करते हैं, साइक्लिन के डिग्रेडेशन के द्वारा। कौन सा सेल साइकिल था ये, तो ये दिमाग में सेट कर लेना, सी डी के को डिग्रेड नहीं कराना है, किसको डिग्रेड कराना है, साइक्लिन को। अगर किसी ऑप्शन में सी डी के को भी डिग्रेड कराया जा रहा है तो वो गलत है ऑप्शन में। बिल्कुल आ गया समझ में, नोट कर लिया।
अनिल आ गया समझ में? अजय राज मिटाए इसको। हाँ क्वेश्चन है कौन सी टॉपिक का है? व्याकरण होना चाहिए वैसे तो। हाँ अच्छा, अब E3 लाइगेज नाम किस किसने सुना हुआ है? E3 लाइगेज सबने सुना हुआ है? E3 लाइगेज नहीं सुना? E3 लाइगेज नाम अंकिता? E3 लाइगेज देखो क्या होता है, कोई भी प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि वो सेल के पास में हमेशा ही रहेगी। हर प्रोटीन का एक हाफ लाइफ टाइम होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में उस प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है? डिग्रेड कर दिया जाता है, चाहे वो mRNA हो या फिर प्रोटीन हो, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो क्या रहेंगे? सेल में रहेंगे। ये होता है कि किसी प्रोटीन का तो जो हाफ लाइफ टाइम है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी डिग्रेड हर प्रोटीन को होना ही है एक दिन। तो प्रोटीन को जब डिग्रेड करना होता है तो उसके लिए एक सिग्नल आता है। सिग्नल लाने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? E3। जैसे सपोज करो ये कोई प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन की लाइफ पूरी हो गई, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? डिग्रेड करना पड़ेगा। तो डिग्रेड करने के लिए इस प्रोटीन के ऊपर पहले एक टैग लगाते हैं ताकि पता लग जाए एंजाइम्स को, बाकी एंजाइम्स को, कि इस प्रोटीन को क्या करना है? डिग्रेड करना है। तो टैग लगाने का जो प्राइमरी काम है कौन करता है? E3 लाइगेज। ये क्या करता है? जिस भी प्रोटीन को डिग्रेड करवाना होगा उसके ऊपर क्या लगा देता है? UV-QT लगा देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं UV-QT-नेशन। तो ये क्या काम करता है? UV-QT-नेशन का काम करता है। UV-QT-N भी एक प्रोटीन ही है। UV-QT-N भी क्या है? एक प्रोटीन है। अगर इस प्रोटीन को किसी दूसरी प्रोटीन के ऊपर लगा दिया तो इससे क्या समझा जाएगा कि अब इस प्रोटीन के अंतिम समय आ चुका है ना, इस प्रोटीन का अब इसको जाना पड़ेगा। तो ये एक टैग है, अगर किसी भी प्रोटीन के ऊपर आपने लगा दिया तो उस प्रोटीन को कहाँ पे भेज दिया जाता है? डिग्रेडेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो जैसे अपन मरने के बाद में कहाँ पे जाते हैं? ग्रेवयार्ड में जाते हैं ना, शमशान में, ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन का शमशान क्या होता है? UPS। ये शमशान है इसका, इसको बोलते हैं UV-QT-N प्रोटियासोमल सिस्टम। ये एक सिस्टम है, LBC यादव वाला नहीं है, पर ये दूसरा है वो दूसरा वाला सिस्टम है, उसमें ये वाला आता है ये वाला आता है उसमें, दूसरा सिस्टम है
तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी प्रोटीन को क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। तो डिग्रेड करने के लिए प्राइमरी तौर पर उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक टैग लगाया जाता है। वो कौन लगा के जाता है वो टैग, एक एंजाइम है जिसका नाम है E3 लाइगेज। अगर E3 लाइगेज ने किसी भी प्रोटीन के ऊपर UV क्यूटीन लगा दिया तो अब वो प्रोटीन कहाँ पर जाएगी, सिस्टम में जाएगी, है ना, किसके लिए, डिग्रेड होने के लिए। समझ में आ गई बात। तो कल को मैंने क्या बताया, जैसे आपको साइक्लिन को डिग्रेड करना है, मैंने बताया ना साइक्लिन का जितना बनना जरूरी है उतना ही उसका डिग्रेडेशन भी जरूरी है। तो साइक्लिन को डिग्रेड करने के लिए कहाँ पे भेजोगे, UPS में। समझ में आ गई बात। तो हर कोई भी प्रोटीन जिसका डिग्रेडेशन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक E3 लाइगेज होता है। ऐसा नहीं कि एक E3 लाइगेज सबका करवा देगा, है ना। अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, E3 लाइगेज होते हैं। मतलब E3 लाइगेज की क्लास है, मतलब एक E3 लाइगेज 100-200 प्रोटीन का क्या कर सकता है, UV क्यूटिनेशन कर सकता है। तो इसकी टोटल 7-8 क्लास है ना E3 लाइगेज। मेन तो 2 क्लास हैं, बाकी फिर इसकी अलग अलग सब क्लास बांट रखी है हमने। तो किसी भी प्रोटीन के ऊपर अगर UV क्यूटिन लगा दिया तो क्या होगा, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब जैसे अपने पास में G1 फेज के साइक्लिन होते हैं, G1 फेज में साइक्लिन थे, और G1 फेज के साइक्लिन को हम हमेशा रखेंगे, उनको डिग्रेड भी करना है, डिग्रेड भी करना है। तो G1 फेज के जो साइक्लिन होते हैं इनका डिग्रेडेशन करवाने के लिए एक E3 लाइगेज है जिसका नाम क्या है, SCF। ये एक क्या है, E3 लाइगेज है। ऐसे ही आपको S और M फेज के साइक्लिन को डिग्रेड कराना है या नहीं कराना, तो उसके लिए कौन आएगा, APC, इसको बोलते हैं हम APCC, ये नाम है इसका। ये भी क्या है, E3 लाइगेज। ऐसी एक प्रोटीन होती है P53, इसका E3 लाइगेज कौन है, मैडम नंबर 2, MDM2। ये क्या करता है, इसको डिग्रेड कराता है। खास बात ये है कि P53 की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना तो एक जीन को एक्टिवेट करती है प्रोटीन, उसका नाम है MDM2। मतलब MDM2 को कौन बना के जाता है, खुद P53, और बाद में वही MDM2 क्या करता है, इसको ठिकाने लगा देता है P53 को। इसको बोलते हैं अपनी मौत का सामान खुद तैयार करना। मतलब जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी तो इसने क्या बनाया, MDM2, और वही MDM2 क्या करता है, इस P53 के ऊपर UV क्यूटिन लगा देता है। उससे क्या होगा, UPS में चली जाएगी डिग्रेड होने के लिए। समझ में आ गई बात। तो E3 लाइगेज से क्या समझे, E3 लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसी प्रोटीन के ऊपर UV क्यूटिन का टैग लगाता है, और किसी भी प्रोटीन के ऊपर अगर UV क्यूटिन का टैग लग जाता है तो वो प्रोटीन कहाँ पर जाती है, UPS में। किसके लिए जाएगी, UPS में, डिग्रेड होने के लिए। तो यहाँ पर जाके इसको क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटीन को ठिकाने लगाया जाता है ना सेल में। समझ में आ गई बात। अब नोट कर लो इसको, आरती समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आने के साथ याद भी करना है। अब याद तो घर पर जाके करते हैं वैसे।
क्या करवाएंगे इसको, तो कर लो पूरा पहले इस संडे तक पूरी करवानी है। संडे को टेस्ट भी तो होगा क्या? क्वेश्चन तो पूरी सेल वायु में से आएंगे, जो टॉपिक नहीं पढ़ाया उसमें से भी आएंगे। किसने? हाँ तो उन्होंने तो पढ़े ही होंगे तो अभी आपके पास 4-5 दिन है, 4-5 दिन में तो बहुत कुछ कर सकते होगी। आज कौन सा बार है? बुधवार है, 5 दिन अभी तो, संडे वाला भी दिन है तो शाम को होगा ना टेस्ट। तो अब देख लो, 2000 रुपये की बात है तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं जब तक उनको तो करो, नहीं आ रहे उन पर वो लगा लो, निशान लगा लो जब तक। इसी संडे को होगा टेस्ट तो, नहीं इस संडे को होगा इसका, वो मंडे या ट्यूसडे को ले लेंगे। मिटा दें इसको हम, मनोज मिटा दीजिए इसको। तो अंकिता आप कहीं भी नाम आ जाएगा E3 लाइगेज, तो उसे दिमाग में क्या आएगा? E3 लाइगेज आते ही ये एक यूबीक्यूटिन लगा के जाएगा और उस प्रोटीन को क्या करवा देगा? डिग्रेड करवा देगा। अब मैं बोलता हूँ कि एक अंकिता नाम की प्रोटीन है और ये प्रियंका एक E3 लाइगेज है, तो अब प्रियंका क्या करेगी? अंकिता को ठिकाने लगाएगी चलो अब है ना, अब देखो नेक्स्ट। अब होता है अपने पास में G1, S, G2 और M, 4 फेज अपने पास में। तो ये जो G1 फेज है और G2 फेज है, इनको हम बोलते हैं गैप फेज। इनको क्या बोला जाता है? गैप फेज। ये भी क्या है? गैप फेज। अब तक किस किसने इनका नाम ग्रोथ फेज पढ़ा था? G1 का नाम तो इनको क्या बोलते हैं? गैप फेज बोलते हैं ना। ये 2 बार आती है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में सेल साइज में बड़ी होती है, इसलिए आप समझ लेते हो कि ग्रोथ फेज है। लेकिन इसको क्या बोला जाता है? मतलब सेल दूसरी फेज में एंटर करने से पहले एक गैप लेती है। इस गैप फेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन एस और एम फेज जो होती है इसके टाइम पीरियड को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे आपको सेल डिवीजन अभी हो रहा है, मान लो 24 आवर में हो रहा है, और आप चाहते हो कि ये 24 आवर की बजाय अब 20 आवर में ही कम्प्लीट हो जाए, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप इनका टाइम पीरियड बढ़ाओगे या घटाओगे? घटाना पड़ेगा। तो घटाओगे तो केवल G1 और G2 के साथ में ही छेड़छाड़ कर सकते हो, S और M के साथ में नहीं कर सकते। S फेज का मतलब क्या होगा? उसमें रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन करने के लिए आता है DNA पॉलीमरेज, और DNA पॉलीमरेज की जो स्पीड है वो फिक्स है। आप कितना भी गोचा करो सेल को, लेकिन वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगा। तो जितना टाइम रेप्लिकेशन में लगता है उतना लगेगा ही लगेगा, इसलिए आप एस फेज के टाइम को कम नहीं कर सकते। ऐसे ही एम फेज में तो लगता ही कितना टाइम है? 1 घंटा। तो उसको तो आप और क्या कम करोगे? तो जब भी आपको सेल डिवीजन का टाइम कम करना है तो केवल किसको कम कर सकते हो आप? G1 और G2 फेज को ही कम कर सकते हो, एस और एम फेज के टाइम को कम नहीं किया जा सकता। तो कभी भी कैंसर हो जाए किसी सेल को, तो कैंसरस सेल में कौन सी फेज का टाइम पीरियड कम मिलेगा? G1 का और G2 का, बाकी S और M फेज का वो ही रहेगा। ऐसे ही आपकी होती है जायगोट सेल होती है ना, तो जायगोट में जो शुरुआती डिवीजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जूलॉजी वालों को पता होगा ना, अरे क्लीवेज नाम नहीं पड़ा, क्लीवेज जो शुरुआती सेल डिवीजन है उनको क्या बोला जाता है? क्लीवेज बोला जाता है। तो क्लीवेज की एक खास बात यह है कि इसमें सेल डिवाइड तो करती है, लेकिन ओवरऑल उसका जायगोट का साइज नहीं बढ़ता। ये पढ़ा होगा ना ऐसा, डिवीजन तो चल रहा है लेकिन फिर भी साइज में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा।
तो कुल मिला के ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब डिवीजन होने के बाद में भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब जायगोट में जो डिवीजन होता है तो उसमें केवल दो ही फेज आती है, कौन कौन सी? एस और एम फेज, उसमें G1 और G2 फेज एब्सेंटी हो जाती है बिल्कुल, और G1 G2 नहीं आएगी तो सेल साइज में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ये गैप फेज में तो ग्रोथ करती है सेल। तो पहला डिवीजन हुआ, कौन सी सेल, कौन सी स्टेज आएंगी बस उसमें? G1 एस और एम। फिर दोबारा से डिवीजन होगा, कौन सी फेज आएंगी? एस और एम। तो क्लीवेज में समझ में आ गया क्यों नहीं साइज बढ़ता है, क्योंकि उसमें G1 और G2 फेज नहीं आती। तो कैंसरस सेल में तो क्या होता है, ये इनका टाइम पीरियड कम हो जाता है, और जायगोट सेल में ये एब्सेंटी हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये अब आप नोट कर लो। एस और एम फेज का टाइम पीरियड कम नहीं किया जा सकता है ना, टाइम पीरियड ऑफ एस एंड एम फेज कैन नॉट बी रिड्यूस। शॉर्ट हो जाएंगी G1 G2 कैंसर सेल में या बढ़ जाएंगी? G1 और G2 शॉर्ट हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी ना, छोट कम हो जाएगा टाइम, तभी तो कैंसर सेल कम टाइम में डिवीजन कर पाएगी। क्लीवेज के दौरान G1 और G2 टोटली क्या हो जाती हैं? एब्सेंट हो जाती हैं, ओनली एस एंड एम फेज। कौन सी फेज होती है? ओनली एस और एम फेज होती है बस। तो तभी तो क्लीवेज के दौरान सेल डिवाइड तो करती है लेकिन फिर भी ओवरऑल साइज नहीं बढ़ता। ये बहुत आसान सी बात है, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में आ गया होगा ना, ये वाला क्वेश्चन। भैया समझ में आ गया? पहले पढ़ा था फिर सेल वाइव में क्या पढ़ गए तो एस और एम फेज का टाइम पीरियड कम नहीं किया जा सकता, केवल किसका कम हो सकता है? G1 और G2 का। अब तो आप GPCR को भूल गए होंगे याद है क्या थोड़ा बहुत GPCR? GPCR याद है तो फिर साइटोस्केलेटन भूल गए होंगे। अगर याद है किसी को तो नेहा बताओ, नोकोडाजोल क्या करता है? नोकोडाजोल नोकोडाजोल देखो, नोकोडाजोल का नोकोडाजोल में छुपा हुआ है ना। कॉज डीपॉलीमराइजेशन, किस में करता है? माइक्रोटिब्यूल में। विन क्रिश्चन क्या करता है? विन क्रिश्चन क्या करता है? पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। किसके पॉलीमराइजेशन को? और विन ब्लास्टिन
6 मी करता है। 4 लिखाए थे ना, बिन क्रिस्टिन, बिन ब्लास्टिन और कॉलचिसिन और कॉलसिमिड, कॉलचिसिन और कॉलसिमिड है ना, 4 थे। स्विन ओलाइड क्या करता है? स्विन ओलाइड एक्टिन को कट करता है ना। देखो स्विन ओलाइड जो है इसमें भी वर्ड मिलता है ना, स्विन ओलाइड में ये एक्टिन को सेवर करने का काम करता है। सेवर का मतलब होता है कट करना, ऐसी VR होता है ना, उसका मतलब होता है कट करना। ये लिख लिया आप लोगों ने, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। तो प्रीति आपको बताना है एक जायगोट में सेल डिवीजन की रेट फास्ट होगी या कैंसर सेल में सेल डिवीजन की रेट फास्ट होगी? जायगोट में ज़्यादा होगी या कैंसर में? कैंसर में ज़्यादा होगी ना, जायगोट में होगी या कैंसर में? जायगोट में होगी। देखो कैंसर सेल में तो G1 और G2 शॉर्ट होती हैं और उसमें टोटली क्या हो जाती हैं, एब्सेंटी हो जाती हैं। वैसे भी ये तो हो गया यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो एक कैंसर का जो ट्यूमर बनता है वो 100 ग्राम 200 ग्राम का इतने का बनता है और उसमें उसको डेवलप होने में सालों का टाइम भी लग जाता है ना कैंसर को, और जबकि जायगोट 9 महीने में 3-3.5 किलो का बेबी बना के तैयार कर देता है। तो किस में फास्ट हुआ सेल डिवीजन? जायगोट में। क्या इसके किस में? अब यहाँ वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अब एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है E2F। ये E2F क्या करता है, एस फेज में काम आने वाले जितने भी रॉ मटेरियल हैं उन सब के लिए ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। जैसे एस फेज में क्या क्या काम आएगा, एस फेज में क्या क्या काम आना है, जैसे एक तो न्यूक्लियोटाइड काम आने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड आपको सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम आने वाले एंजाइम को कौन बना के जाता है, ये E2F। क्या हेलिकेज काम में आएगा, मतलब रेप्लिकेशन में जितने भी एंजाइम काम में आएंगे उनको कौन बना के जाएगा, E2F। एक और भी प्रोटीन जैसे DHFR डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम आता है उसको भी कौन बनवा के जाएगा, E2F। और आपका एक CDC25 है वो आगे काम आएगा, उसको भी कौन बनाएगा, E2F। तो E2F एक इम्पोर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो एस फेज में काम आने वाले रॉ मटेरियल को बना के जाता है। तो क्या इसके बिना सेल डिवीजन हो सकता है, फिर नहीं हो सकता, सबको कौन बना के जा रहा है, E2F। लेकिन बात करें अगर अर्ली जीवन की, कब की बात है ये, अर्ली जीवन, तो अर्ली जीवन में क्या रहता है, ये किसी दूसरे के साथ में बाइंड रहता है जिसका नाम क्या है, ये नाम तो सुना होगा ना सबने, आरबी, नहीं सुना, आरबी नहीं होती लड़की, नहीं होती आरबी, आरबी लड़की होती, नहीं पता आपको, कोई भी नहीं आपके कांटेक्ट में है, देखो भतीजे ने आके आरबी, आरब भी होता है और आरबी भी होती है, जैसे एक मनीष होता है एक मनीषा होती है। तो इस आरबी की शॉर्ट फॉर्म बना दिया ना, इस आरबी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो आरबी है ना, और हमारी तरफ तो आपको पता है ना ये एक होता ही है वैसे भी, तो इसको हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, आरबी लिख दिया। तो अभी E2F किसके साथ में बिजी है, आरबी के साथ में बिजी है, तो अभी अपना नॉर्मल काम करेगा फिर जो करता था वो, अभी तो बिजी है आरबी के साथ में। तो अभी सेल साइकिल में जो काम आने वाले हैं एस फेज में काम आने वाले रॉ मटेरियल वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो अभी ये एक्टिव या इनएक्टिव, अभी है ये इनएक्टिव,
कब की बात चल रही है ये? अर्ली जीवन की। लेकिन अर्ली जीवन में क्या होता है, कौन बनना स्टार्ट हो गया था अर्ली जीवन में, कौन बनना स्टार्ट हो गया था? CDK4/6 और साइक्लिन डी, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी थी ना अर्ली जीवन से। तो जैसे ही CDK4/6 और इसका दूसरा पार्टनर डी लिख देता हूँ ना डायरेक्टली, साइक्लिन डी, जैसे ही ये बनने लग जाएंगे तो इनका काम क्या है, काम क्या है इनका CDK4/6 और साइक्लिन डी का? अरे काइनेज है, तो काइनेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। तो ये सबसे पहले किसका फॉस्फोराइलेशन करता है, इस आरबी का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। तो जैसे ही आरबी का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो अब ये जो आरबी है E2F के साथ में बाइंड नहीं रह पाएगा। तो आरबी यहाँ से क्या हो जाएगी, आरबी यहाँ से क्या हो जाएगी, फिर इसका क्या करवा दिया, फॉस्फोराइलेशन। किसने किया है ये, CDK4/6 और साइक्लिन डी ने। अब हो गया आर बी फ्री और E2F भी फ्री। जब ये फ्री हो गया तो कहाँ पे जाएगा, अब जीवन में जाएगा या न्यूक्लियस में जाएगा? क्या है ये, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जाके ये क्या क्या, कौन कौन सी जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा, जैसे मान लो हेलिकेज काम में आना है, हेलिकेज को बनवाएगा, और टोपो आइसोमेरेज है उसको बनवा देगा, और जो भी काम आते हैं सारी प्रोटीन, और जैसे न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम आने वाले एंजाइम जैसे कि DHFR डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जैसे CDC25, मतलब जो भी आपके मन में आए एस पेज में काम आने वाला वो सारे यहाँ पर लिख सकते हो। तो इन सबको कौन बनवा के जाएगा, E2F बनवा के जाएगा, है ना। और ये जो प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस है, अभी ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और फिर यहाँ से आगे किसका सिंथेसिस होने लग जाएगा, मिड एस पेज तक आते आते किसका सिंथेसिस होने लग जाएगा, साइक्लिन ई का सिंथेसिस होने लग जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो साइक्लिन ई है ये क्या करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा, साइक्लिन डी किसके साथ, लेकिन CDK2 किसके साथ बिजी है पहले से ही यही तो सेल बाय अभी किसके साथ बिजी किया था, सिपिया किप के साथ बिजी किया था ना CDK2 को। अरे सिपिया किप के साथ ही तो बिजी था, CDK4/6 तो किसके साथ बिजी था, IN4 फैमिली के साथ, और CDK2 किसके साथ बिजी था, सिपिया किप के साथ। तो अभी ये जो साइक्लिन ई बन तो गया लेकिन अभी बाइंड नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसका पार्टनर है CDK2 अभी किसके साथ बिजी है, भाई रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है ना, अगर कोई किसी के साथ बिजी है तो अब तीसरा आदमी आएगा तो अभी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले बॉन्ड ब्रेक करवा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। तो अभी जो इसका पार्टनर है दूसरा CDK2 वो किसके साथ बिजी है, सिप या किप के साथ। तो पहले उस सिप या किप को हमें क्या करना पड़ेगा, उससे दूर कराना पड़ेगा, तब जाके साइक्लिन उसके साथ में बाइंड हो सकता है। ये समझ में आ गई यहाँ तक बात, इसको छाप लो ना ऐसे कैसे ही। ये जो प्रोसेस है अभी एक स्लो प्रोसेस है, ये अर्ली जीवन में ऐसा चल रहा है, ये मॉलिकुलर लेवल पर सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। सेल वायु की यही तो खास बात है, अभी पढ़ा पीछे वाले को भूल जाओगे पीछे क्या हुआ। लेकिन हमेशा की तरह हर टॉपिक 5 या 10 मिनट का ही होता है बस, अरे 3 दिन पढ़ने में लगेंगे लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो 5 या 10 मिनट का टॉपिक होगा बस।
डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम आता है। लिख दूं मैं यहाँ पे डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज किसमें काम आता है ये सपना? न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में। क्या बोल रहे हो? कितना बड़ा होता है मतलब? अभी तो है, दिक्कत ये है कि अब कम कराएं तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे ना। अगर किसी टॉपिक को कर रहे हो तो फिर उसको थोड़ा अच्छे से ही कर लो, और किसी को छोड़ रहे हो तो फिर उसको ढंग से छोड़ दो। सपना, किसी टॉपिक को कर रहे हो तो अच्छे से कर लो, अगर छोड़ रहे हो तो ढंग से छोड़ दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? वापस समझाऊँ ये? एंटी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड है वो, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लिखोगे। तो देखो, E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था जो क्या काम करके जाता है, एस फेज में काम आने वाले रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज करके जाता है। लेकिन ये खुद किसके साथ बिजी है? भी RB के साथ में। तो जैसे ही अर्ली जीवन में CDK4/6 और साइक्लिन डी बनना स्टार्ट होते हैं, तो CDK4/6 साइक्लिन डी RB का कर देते हैं फॉस्फोराइलेशन, जिससे कि RB हो जाता है फ्री और E2F भी हो जाता है फ्री। तो ये RB तो यहाँ से आगे चला जाएगा UPS में, ये तो कहाँ पे चला जाएगा? UPS में। और E2F फ्री होके क्या करेगा? अब जो रॉ मटेरियल अपने काम में आएंगे उनको सिंथेसाइज करवाएगा। तो रॉ मटेरियल में ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं, बाकी बहुत सारे नाम होते हैं इसमें, है ना। इन सबको सिंथेसाइज करने में हेल्प करके जाएगा कौन? E2F। अब ये नाम इसका था RB, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। क्या इसका पूरा नाम? रेटिनोब्लास्टोमा। अब रेटिनोब्लास्टोमा से आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे दिमाग में कुछ इमेज बन रही है? रेटिना आई में होता है, और किसी के भी पीछे ब्लास्टोमा या ओमा वर्ड आता है, किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? मतलब कोई ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक्स ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसके लिए आता है ना ये ओमा वर्ड। तो ये कुल मिला के रेटिना का एक तरह से कैंसर है। एक प्रोटीन थी, उस प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया था। अब यहाँ भी आप बताओ, अगर इस RB में म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर होगा या अपोप्टोसिस होगा? ये RB प्रोटीन चाहती है कि सेल डिवीजन हो या नहीं हो? क्या चाहती है? RB प्रोटीन तो इस E2F को पकड़ के रखती है, और जब तक E2F RB के साथ में रहेगा तब तक अपना काम नहीं होगा। तो कैंसर या अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस। लेकिन अगर ये RB नहीं हो तो क्या होगा? E2F को कोई बिजी नहीं रख पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बनाएगा, अर्ली जीवन में बनाने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो ये RB तो क्या चाहता है? अपोप्टोसिस हो। लेकिन अगर RB नहीं हो तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या था, जो आई सेल है ना, आई सेल में रेटिना में एक प्रोटीन में हो गया था म्यूटेशन, और उसकी वजह से रेटिना में क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। तो इस वजह से उस प्रोटीन का नाम ही हमने क्या रख दिया? रेटिनोब्लास्टोमा RB। लेकिन बाद में पता लगा कि ये केवल आई में ही नहीं मिलती, ये तो हर सेल में मिलती है प्रोटीन। शुरू में जब डिस्कवर हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? आईज में। लेकिन बाद में क्या पता लगा, ये तो हर सेल के पास में मिलती है प्रोटीन, और हर सेल में ही सेल साइकिल में क्या करती है? ये काम में आती है। तो किसी भी सेल में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। RB में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो, है ना, म्यूटेशन इन RB कॉज कैंसर। ये साथ साथ में चल रहा है आपका कैंसर अभी।
वहाँ भी आएगी ARV फिर नोट के कैंसर में भी, क्योंकि कैंसर प्लस अलग से थोड़ी है, जो सेल साइकिल सेल डिवीजन है वही कैंसर है और वही एपोप्टोसिस है। बस ये पता करते रहो साथ साथ में कि कौन सा तो सेल साइकिल को बढ़ा के जा रहा है, कौन सा घटा के जा रहा है। तो E2F में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तब क्या होगा, E2F में म्यूटेशन हो जाएगा तो E2F में म्यूटेशन हो जाएगा तो E2F काम नहीं करेगा, मान लो तो क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा। E2F काम नहीं करेगा तो कैसे ये प्रोडक्ट बनेंगे, E2F में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या ये प्रोडक्ट बनेंगे सपना, फिर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा, क्योंकि ये सेल डिवीजन कराने के लिए जरूरी है, इनके बिना सेल डिवीजन होगा ही नहीं, और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है जब सेल डिवीजन नहीं हो या सेल डिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या सेल मर जाए, उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। तो अब ये बनेंगे या नहीं बनेंगे सपना, ये बताओ बिना E2F के बिना नहीं बन सकते, तो सेल डिवाइड नहीं कर सकती, तो क्या होगा अपोप्टोसिस। और अगर ये ज़्यादा बनने लग जाए तो सेल डिवीजन की रेट बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा कैंसर हो जाएगा। तो E2F में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा अपोप्टोसिस, और RB में म्यूटेशन हो गया तो कैंसर। लिख ली लाइन आपने, म्यूटेशन इन RB कॉज कैंसर। तो ये समझ में आ गया नाम इसका RB क्यों पड़ा, रेटिनोब्लास्टोमा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले इसको आई सेल के रेटिना में डिस्कवर किया गया था, वहाँ पे एक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया था जिसकी वजह से रेटिना में क्या हो गया था कैंसर हो गया था, इसलिए उस प्रोटीन का नाम ही हमने क्या रख दिया रेटिनोब्लास्टोमा। लेकिन बाद में क्या पता लगा कि ये प्रोटीन तो हर सेल में ही जरूरी होती है नॉर्मल सेल साइकिल के लिए। सोनिया ये समझ में आ गया क्या, हाँ E2F में म्यूटेशन हो जाएगा तो अपोप्टोसिस हो जाएगा, सेल डिवीजन हो ही नहीं पाएगा उसके बिना। मिटाया जाए इसको, अब अच्छा ये क्लाइंट और लिख ले रहा है इसमें, ये जो E2F है इसकी तीन फॉर्म होती हैं, है ना, ये तो होती है जैसे ये RB है, एक तो इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो, इसको बोलते हैं हम अनफॉस्फोराइलेटेड RB, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें फुली फॉस्फोराइलेशन हो गया, तो इसको तो क्या बोलते हैं अनफॉस्फोराइलेटेड RB, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोराइलेटेड। और इसको फुली फॉस्फोराइलेटेड। तो तीन फॉर्म है ना, एक ही फॉर्म में E2F फ्री रह सकता है जब इसका फुली फॉस्फोराइलेशन हो जाए, अगर ये अनफॉस्फोराइलेटेड हो और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड हो तो ये E2F को फ्री नहीं होने देती। ओनली कौन सी कंडीशन में फ्री होता है, फुली फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में ही ये वहाँ से डिसोसिएट हो सकता है, तब जाके RB फ्री होगा। ओनली फुली फॉस्फोराइलेटेड RB कैन फ्री E2F, फुली फॉस्फोराइलेटेड RB कैन फ्री E2F, ये दोनों कंडीशन में E2F फ्री नहीं हो पाएगा। अगर एक जगह पे फॉस्फेट लग गया RB के ऊपर तब भी वो E2F के साथ बाइंड रहेगा, फुली फॉस्फोराइलेशन हो गया तो क्या हो जाता है ये डिसोसिएट हो जाता है फिर।
ओनली फुली फॉस्फोरिलेटेड आर बी कैन थ्री ई टू एफ। हाँ कैन थ्री ई टू एफ। हाँ अनफॉस्फोराइलेटेड में और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड में बाइंड रहता है। नया आ गया समझ में? अभी तो समझ में तो आ गया लेकिन लिंक नहीं हो पाएंगी चीज़ें। मिटाया जाए इसको अब। अब आपका साइक्लिन ई बन गया, साइक्लिन ई बन गया, लेकिन अभी सी डी के टू के साथ में बाइंड नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा बाइंड? क्योंकि वो सिप और किप के साथ बिजी है अभी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिप और किप को फ्री करवाना पड़ेगा वहाँ से। तो जो आपके सी डी के फोर सिक्स और दूसरा पार्टनर कौन है इनका? साइक्लिन डी। मिड जीवन में ये क्या करते हैं? जो आपका सी डी के टू होता है, सी डी के टू के साथ में कौन बाइंड था? सी डी के टू के साथ में बाइंड था पी ट्वेंटी वन। और कौन बाइंड था? पी ट्वेंटी सेवन। ये दोनों बाइंड थे। तो अभी ये एक्टिव या इनएक्टिव? अभी है ये इनएक्टिव, लेकिन ये सी डी के फोर सिक्स और साइक्लिन डी आ जाता है तो ये क्या करता है? ये सी डी के टू और पी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन का फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। तो ये सी डी के टू हो जाएगा फॉस्फोराइलेट और पी ट्वेंटी वन हो जाएगा फॉस्फोराइलेट, पी ट्वेंटी सेवन भी हो जाएगा फॉस्फोराइलेट। और फॉस्फोराइलेट होने के बाद में ये तो चला जाता है कहाँ पे? यू पी एस में। और सी डी के टू क्या करेगा अब? सी डी के टू क्या करेगा बताओ? साइक्लिन ई बन चुका है तो अब उसके साथ में क्या कर जाएगा? ये बाइंड कर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सी डी के टू किसके साथ में बाइंड करेगा? साइक्लिन ई के साथ में। ये कौन सी फेज की बात चल रही होगी अब? कौन सी फेज की बात है? ये मिड जीवन में आ गए अब। मिड जीवन में ही तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होती है। ये मैक्सिमम होता है उस टाइम पे। ये सी डी के टू साइक्लिन ए को खुद ही बनवाता है। ये खुद की कम होने लग जाएगी और इसकी बढ़ने लग जाएगी। अब क्या किसको मैंने आपको ये बात बताई इतना है कि जितना इसका बनना ज़रूरी होता है उतना ही पुराने वाले का डेस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है। जैसे हमने एक बार पी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन बना के छोड़ दी, अगर उनको डेस्ट्रक नहीं करवाएं तो काम नहीं कर पाएगा सी डी के टू। तो जितना उनका बनना ज़रूरी है उतना ही उनको डिग्रेड करना भी ज़रूरी है, तब जाके कोई दूसरा पार्टनर उसका काम कर पाता है उसके साथ में। क्या? हाँ उसमें क्या करना था? तो वो उस रेफरेंस में पूछा है कि वो उसके साथ में पार्टनरशिप करता ही नहीं है तो वो अपना जो नॉर्मल काम है वो करता रहेगा। उसमें अब 21 27 की बात नहीं की गई है ना, ये है मेन चीज़।
उस रेफरेंस में पूछा है उसने। फ्री हुआ है, फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है, और ये फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में ही इसके साथ साइक्लिन ही बाइंड रहता है। छाप लिया सबने, मिटाया जाए इसको। अब कहाँ पे पहुँच गए हम, मिड जीवन में पहुँच गए ना। मिड जीवन से अब कहाँ पे चलेंगे, लेट जीवन में। अब मिड जीवन से इसकी CDK2 साइक्लिन ई की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। CDK2 और साइक्लिन ई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना हो जाएगी स्टार्ट। CDK2 और ये है फॉस्फोराइलेटेड, और इसके साथ में कौन बाइंड है, कौन बाइंड है, यहाँ तक ई बाइंड है। अब उसके बाद में क्या होता है, साइक्लिन ए बनना स्टार्ट होगा, लेकिन क्या साइक्लिन ए इसके साथ में बाइंड कर पाएगा, साइक्लिन ए CDK2 के साथ में साइक्लिन ए भी बाइंड करता है, लेकिन क्या बाइंड कर पाएगा अभी, अभी किसके साथ बाइंड है ये, तो पहले इस ई को हटाना पड़ेगा, तब जाके क्या करेगा, ए इसके साथ में बाइंड कर सकता है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो इस ई को उठाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है CDC25 फॉस्फेटेज। क्या नाम है एंजाइम का, CDC25 फॉस्फेटेज। तो ये फॉस्फेट ऐड करेगा या हटाएगा,
तो ये इसके साथ में जो फॉस्फेट लगा है इसको क्या कर देता है, ये अठा देता है। तो ये हो जाएगा CDK2। जैसे ये अनफॉस्फोराइलेटेड होता है तो अब ई की एफिनिटी इसके लिए डिक्रीज हो जाती है, मतलब जो ई है वो फॉस्फोराइलेटेड CDK2 के साथ में ही बाइंड करता है। अगर आपने फॉस्फेट हटा दिया तो ई बाइंड नहीं रह सकता, तो अब ई यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये है आपका साइक्लिन ई। तो इस साइक्लिन ई को तो हम कहाँ पे भेज देंगे, UPS में। और इस CDK2 का क्या करें, अब CDK2 प्लस कौन आएगा, साइक्लिन ए। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CDK2 और साइक्लिन ए। जैसे ही CDK2 और साइक्लिन ए कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। तो अभी अपने पास में कुछ प्रोटीन थे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स होता है प्री, नाम सुना है आपने, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, सुना है कहीं नाम, मतलब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। इस प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मतलब जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे कुछ प्रोटीन आके बाइंड हो जाती हैं। जैसे ये एक प्रोटीन है ORC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर बायोलॉजी में जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। और इसके ऊपर कौन बाइंड रहता है, CDT1, CDC6 और MCM, इतनी सारी प्रोटीन बाइंड रहती हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। अभी ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, अभी है ये इनएक्टिव। फिर कौन आ गया मार्केट में, CDK2 और साइक्लिन ए। ये क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, मतलब CDT1, CDC6, MCM और ORC इनका क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे ये CDT1, 6 और ORC ये तो हो जाते हैं यहाँ से डिसोसिएट, कौन बचेगा। और MCM का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये हो जाता है एक्टिवेट। और MCM का घर का नाम क्या है, ये MCM एक हेलिकेज है ना यूकैरियोट्स का, हेलिकेज जानते हो ना, जो DNA को अनवाइंड करने के काम में आता है। तो यूकैरियोट्स में उस हेलिकेज का नाम क्या होता है, MCM। और ऐसे प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं उसको, DNAB। DNAB प्रोटीन जो है वो हेलिकेज है ना प्रोकैरियोट्स का, और यूकैरियोट्स का हेलिकेज कौन है, MCM, मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस प्रोटीन। बाद में पढ़ेंगे जब मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तब। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनएक्टिव है। बाद में ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एक्टिव। तो ये MCM इसका हो गया फॉस्फोराइलेशन, तो ये तो हो जाएगा एक्टिव। अब ये DNA को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देगा, प्लस में CDC6, CDT1, ये इनका क्या हो गया था, फॉस्फोराइलेशन। दो अलग अलग प्रोटीन है, और ये कहाँ पे चले जाएंगे, UPS में, ये हो जाएंगे डिग्रेड। अब क्वेश्चन आता है कि जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी फेज में बनता है, कौन सी फेज में बनता है। तो बस यही गलत फहमी नहीं पाल लेना, ये अर्ली जीवन में ही बनके तैयार हो जाता है, अर्ली जीवन में हो जाएगा, मिड जीवन तक रहेगा, लेट जीवन तक रहेगा। लेकिन एक्टिवेट कब होगा, लेट जीवन में, जो ट्रांजिशन पॉइंट होगा ना वहाँ पे एक्टिवेट होगा। इसका एक्टिवेशन या फॉस्फोराइलेशन, मतलब जैसे ही CDK2 और साइक्लिन ए आते हैं, जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं वहीं से हम एस फेज की शुरुआत मानते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये ट्रांजिशन वाले पॉइंट पे एक्टिवेट होता है, इसका एक्टिवेट होना ही एस फेज का इनिशिएशन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एस फेज के इनिशिएशन के लिए कौन सा CDK साइक्लिन काम में आता है, कौन सा आता है, CDK2 साइक्लिन ए। इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, एस फेज ट्रांजिशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, CDK2 और साइक्लिन ए।
इसके पास में कौन सी एक्टिविटी आ जाती है फॉस्फोराइलेट होते ही, हेलिकेज वाली। तो अब ये डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देगा। कौन सी फेज की बात चल रही है, ये लेट जीवन। और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तो ये कौन सी फेज स्टार्ट हो गई अब, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इनिशिएशन ऑफ एस फेज। यहीं से एस फेज का इनिशिएशन माना जाता है ना। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉस्फोराइलेशन होना ही क्या है, इनिशिएशन ऑफ एस फेज। काम में कौन आता है उसमें, सी डी के टू और साइक्लिन ए। जहाँ भी ट्रांजिशन हो रहा है उसको रट के रख लेना है ना, पहले से दिमाग में सेट कर लेना जहाँ भी ट्रांजिशन पॉइंट आ रहा है। एस फेज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉस्फोराइलेशन होना। दीप का ये सारी वो बातें चल रही हैं जो हमें सेल में दिखाई नहीं देती, मॉलिकुलर लेवल पर सेल डिवीजन है ये। और जो अब तक आप पढ़ के आए थे वो फिजिकल लेवल पर सेल डिवीजन था, जिसमें क्रोमोसोम जाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कहीं क्रोमोसोम दिख रहे हैं क्या आपको, इसमें क्रोमोसोम नहीं दिखते। हाँ बताओ, यूकैरियोटिक का हेलिकेज है ये। प्रोकैरियोट्स में डीएनए भी होता है, यूकैरियोट्स में एमसीएम होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपने आप याद हो जाएगा आपको। अमन को ये भी पता है हेलिकेज एक्टिविटी किस किस के पास में होती है। अमन कौन कौन सी प्रोटीन है तो अमन जिनके पास में हेलिकेज एक्टिविटी है। हाँ और और बताओ किस किस के पास में बताई थी, तो रिवाइज नहीं करोगे तो यही होता है फिर। हमें रो प्रोटीन के पास में होती है और आरएनएज नहीं था, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड उसकी जो एच वो था ना सब यूनिट उसकी, उसके पास में थी एक्टिविटी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच। मान लो कि आप इंटरव्यू देने गए और एग्जामिनर ने गलती से पूछ लिया, आप कहीं इंटरव्यू देने गए और एग्जामिनर ने गलती से पूछ लिया, तो एग्जामिनर ये समझेगा कि इसने बहुत डीप स्टडी की हुई है सब्जेक्ट की। मिक्स हो गया मैं। अब देखो छाप लिया सबने, अब थोड़ा सा इसको रिवाइज तो कर लेते हैं। रिवाइज कर लें इसको अब।
प्रियंका नहीं छापा अभी। देखो अपने पास में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं ना सेल के पास में, एक तो होता है आरटी के रिसेप्टर, दूसरा होता है टीजीएफ बीटा रिसेप्टर। तो आरटी के रिसेप्टर के थ्रू जो रास में काइनेज पाथवे चलता है उसमें लास्ट में कौन एक्टिवेट होता है, फॉस जून मिक, तीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे। इन्होंने क्या किया था, सीडीके और साइक्लिन को बनाया था। अब सीडीके और साइक्लिन में, सीडीके तो एक कैटालिटिक एंजाइम है और साइक्लिन उसका रेगुलेटरी एंजाइम है, उसको रेगुलेट करके जाएगा, है ना। फिर आपको बताया था कि सीडीके अपने पास में अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, सीडीके 4, 6, 2 और 1। 4, 6, 2 तक तो अपने काम आई गए, 1 और बचाया अभी, है ना। साइक्लिन कौन कौन से होते हैं, साइक्लिन डी ई ए बी, जिसमें से डी काम में आ गया, ई काम में आ गया और ए काम में आ गया। अब कौन आएगा, बी आएगा लास्ट में, ना। तो वन और बी और बचा है बस। अगर बात करें सैक्रोमाइसिस फॉर्म की तो उसमें एक ही सीडीके होता है और एक ही साइक्लिन होता है। तो सीडीके तो वन होता है और साइक्लिन सीडीसी 13 होता है। अगर बात करें सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी की तो उसमें सीडीके तो एक ही होता है, सीडीके 1, लेकिन साइक्लिन उसमें टोटल 9 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जीवन फेज में, कौन कौन से काम में आएंगे, CLN 3 जीवन एस फेज में, अच्छा, और एस फेज में CLN CLB 5, 6 और एम फेज में CLB 1, 2, 3, 4। तो हो गई टेबल याद। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जीवन फेज में CDK 4, 6 साइक्लिन DEAB सब बन के तैयार हो जाते, नहीं साइक्लिन प्रॉपर पर्टिकुलर फेज में बनेंगे और पर्टिकुलर फेज में ही डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन CDK सभी अर्ली जीवन में ही बन के तैयार हो जाते हैं। उधर से TGF बीटा रिसेप्टर क्या बनाता है, P53 प्रोटीन, और P53 क्या बनाती है, CDK के इनहिबिटर बनाती है। उसकी दो फैमिली है, कौन कौन सी, INK4 फैमिली और सिप या किप फैमिली। INK4 तो किसको ब्लॉक करके रखती है, CDK4, 6 को, और सिप या किप फैमिली CDK2 को। उसमें P21, 27 और 57 आते हैं ना, वो CDK2 को ब्लॉक करके रखेंगे। अब जैसे जैसे अपन अर्ली जीवन में जाते हैं तो CDK4 की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, तो अब जो उसके ब्लॉक करने वाले प्रोडक्ट थे TGF बीटा के, अब वो कम पड़ जाते हैं, तो अब पूरे CDK को ब्लॉक नहीं कर पाते, कुछ क्या रह जाते हैं, फ्री रह जाते हैं। तो वो CDK4, 6 साइक्लिन डी के साथ में मिलके क्या करते हैं, CDK4, 6 और साइक्लिन डी ने मिलके क्या किया, जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था E2F किसके साथ बाइंड था, वो RB के साथ बाइंड था, उसका RB का क्या करवा दिया, फॉस्फोराइलेशन करवा दिया, जिससे कि E2F हो गया फ्री। अगर RB में हो जाए म्यूटेशन तो क्या होगा, कैंसर, और E2F में म्यूटेशन हो जाए तो अपोप्टोसिस। अगर RB का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तब क्या होगा, अपोप्टोसिस। अगर म्यूटेशन से कैंसर हो रहा है तो ओवर एक्सप्रेशन से क्या होगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा। समझ में आ गई वाली बात, ये तो बाद में है ना, क्या ये कैंसर में पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ें, हम ये कैंसर है सेल डिवीजन, है ना। ये समझ में नहीं आया तो कैंसर को समझने की वो भी मत समझना ना कि आएगा समझ में। उसके बाद में हमने क्या फ्री करा दिया, E2F फ्री करा दिया। E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो एस फेज में काम आने वाले रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज करवाता है। तो आपको बताया उसमें न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, DHFR, हेलिकेज, MCM जो भी है सबको क्या करवाएगा ये, सिंथेसाइज, और साइक्लिन ई CDC 25। अब आपने साइक्लिन ई बना तो लिया, लेकिन क्या अभी ये CDK2 के साथ में बाइंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी किप और सिप के साथ में बिजी है। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, अब जो CDK4, 6 साइक्लिन डी है वो क्या करते हैं, वो अब सिप किप और पी, अब वो CDC2 का क्या कर देते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। उसकी वजह से CDK2 हो जाएगा फॉस्फोराइलेट और P21, 27 कहाँ पर चले जाएंगे, UPS में। अब जैसे ही ये CDK2 फॉस्फोराइलेट होता है तो ये किसके साथ में बाइंड कर जाएगा, साइक्लिन ई के साथ में। अब साइक्लिन ई के साथ में बाइंड रहेगा, ये कब की बात है, ये मिड जीवन की बात है। मिड जीवन में अब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, लेट जीवन तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, लेट जीवन तक पहुँचते पहुँचते जो आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन चुका था अर्ली जीवन में ही, अब हमें उसको एस फेज में एंटर करवाना है, उसको एक्टिव करवाना है।
तो एक्टिव करवाने के लिए हम क्या लेके आते हैं, साइक्लिन ए। साइक्लिन ए तो आ जाएगा, लेकिन क्या सी डी के टू के साथ में बाइंड करेगा? उसके साथ में कौन बाइंड है पहले से ही? P20 बनिया साइक्लिन ई, साइक्लिन ई। अब जैसे ही सी डी सी 25 फॉस्फेटेज आता है तो वो क्या करता है, उसकी फॉस्फेट को हटा देता है, जिसकी वजह से सी डी के टू हो जाता है फ्री और साइक्लिन ई हो जाएगा फ्री। साइक्लिन ई को तो भेज देंगे हम डिग्रेडेशन के लिए, और सी डी के टू के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, साइक्लिन ए। साइक्लिन ए जैसे ही बाइंड करता है तो ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का कर देता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन से सी डी सी 6 सी डी टी 1 ये तो चले जाते हैं यूपीएस में, और हेलिकेज हो जाता है एक्टिव। तो एमसीएम क्या था यहाँ पे, हेलिकेज था, ये हो जाएगा एक्टिव। तो सी डी के 2 और साइक्लिन ए का आना ही एस फेज का इनिशिएशन माना जाता है ना, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, समझ में आ गई बात। अब हम एस फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन चलता रहेगा, उसके बाद में हम जी टू फेज में एंटर करेंगे। तो थोड़ा बहुत याद हुआ अब? अरे जब आप घर पर जाके 2-4 बार याद कर लोगे तो वो आपको दिखाई देने लग जाएगा, जैसे मेरे को दिखता है ना, ऐसे आपको भी दिखने लग जाएगा कि अच्छा इसके बाद में ये हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब अभी आपके उसमें दिमाग में डायग्राम नहीं बन रहे, अभी केवल थ्योरी थ्योरी बस। क्या MCM जो है ना, हेलिकेज है खुद ही वो। हाँ, हेलिकेज तो एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जो DNA को अनवाइंड करने के काम में आती है, और ऐसी बहुत सारी प्रोटीन मिलती है सेल के पास, उनमें से ये MCM भी होती है एक। तो 70% किसको ये याद हो गया, 70% हो गया नंदनी, और 70% समझ में किस किस को आ गया? समझ में तो आ गया ना, समझ में आना मतलब अलग चीज़ है और याद होना अलग चीज़ है। और अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो 90% तक भी याद है कई बच्चों को। तो देखो ऐसा है कि समझ में तो आपको सब कुछ आ जाएगा, बस वही है कि याद करना पड़ेगा ना इसको बार बार, याद नहीं करोगे तो फिर वो मिक्सअप होने लग जाएगा। और ये जो पूरा सेल डिवीजन है ये ओवरऑल 10 मिनट का ही है, पढ़ने में तो इसको 3 दिन लगते हैं लेकिन ओवरऑल कितने टाइम का है, 10 मिनट का। जैसे अभी जो हमने पढ़ा आज कितने मिनट का था, 5 मिनट का, 5 से भी कम टाइम लगा ना। अगर आप भी ईमानदारी से घर पर जाके उसको रिवाइज कर लो, 5 बार याद करो, तो 5 बार रिवाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा, 25 मिनट, लेकिन 5 बार में तो मेरे हिसाब से याद हो ही जाएगा। क्या ऐसा होता है कि वो तो प्रैक्टिस का गेम है सारा, है ना। जैसे टॉपिक मेरे को भी ध्यान नहीं रहते कभी कभी कि क्या पढ़ाना है, टॉपिक बता दो फिर उसमें सब कुछ बता दूंगा, तो टॉपिक भूल जाते हैं। वो तो पूरा प्रैक्टिस का गेम है, आप 1 साल हाथ टच मत करो ना किताब से, आप भी 0 हो जाओगे, और पढ़ते रहोगे तो याद बना रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी हो गया कंप्लीट, आप कल हो जाएगा ना सेल डिवीजन कंप्लीट।